देश विदेश, पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी किसी के ताज में तो कभी किसी की तिजोरी में कोहिनूर ने हमेशा से ही लोगों के दिलों पर राज किया है। खूबसूरत इतना कि बड़ी से बड़ी और सुंदर से सुंदर चीज की चमक भी इसके आगे फीकी पड़ जाए। कहने को तो कोहिनूर केवल एक हीरा है, पर इस हीरे की कीमत लगा पाना किसी के बस की बात नहीं। तभी ये आज तक न खरीदा गया है और न ही बेचा गया है, बल्कि हमेशा इसे या तो जीता गया है या तोहफे के तौर पर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि आखिर इस हीरे के पीछे कौन से राज दफन है? आखिर क्या है इस हीरे का खूनी इतिहास? तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पुरानी कहानी। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। देखने में बला का खूबसूरत, तभी तो भारत से लेकर नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सभी इसे अपना होने का दावा करते हैं। पर पूरी दुनिया घूमने के बाद ये आखिर ब्रिटेन में आकर बस गया। हालांकि समय समय पर कई देशों ने इसे अपना बताकर ब्रिटेन सरकार से इसे वापस करने की गुहार लगाई है, जिसमें भारत भी शामिल है, मगर बात बनी नहीं। भारत ने 1947, 1953, 2000, 2010 और 2016 में कोहिनूर की मांग की, पर निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लग सका। चलिए आपको बताते हैं कि ये बेशकीमती हीरा आया कहां से और किसने इसकी खोज की। एक बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बसी गोलकोंडा की खदानों में खुदाई की जा रही थी, तभी वहां इस हीरे को देखा गया। अब कहने को हीरा पहले किसने देखा, कब देखा, ये बात तो कोई नहीं जानता, पर उस दिन उस खदान ने उस दुनिया को सबसे कीमती और बेहद चमकदार हीरा जरूर दे दिया था। ये जहां मिला वो जगह तब काकाटिया डायनेस्टी के अंडर आती थी। उस समय ये 793 कैरेट का था, पर अब ये घटकर केवल 105.6 कैरेट का ही रह गया है, जिसका वजन लगभग 21.6 ग्राम बताया जाता है। अब इस हीरे के मिलने के बाद से ही जगह जगह इसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे और इस बेशकीमती चीज की आवाज अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक जा पहुंची। बस फिर बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत में कई सफल आक्रमण किए और छापे मारे, और आखिर 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभिनय में खिलजी ने इस हीरे को भी जीत लिया। इसके बाद ये हीरा दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक के पास जाता रहा, और 1526 में जब बाबर ने पहली पानीपत की लड़ाई जीती और इब्राहिम लोदी को हराया, तब ये हीरा उसके नाम हो गया। बाबर ने इसके बारे में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था, जिसका जिक्र आज भी होता है। कहते हैं कि बाबर के बाद इस हीरे को शाहजहां के मयूर सिंहासन में लगाया गया, पर 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत पर हमला बोल दिया, जिसमें उसने दिल्ली को बुरी तरह लूट लिया। यहां तक कि उसने लूट में सबसे जरूरी और खूबसूरत मयूर सिंहासन तक नहीं छोड़ा, जो शाहजहां को बेहद प्यारा था। कहा जाता है कि आज जिस हीरे को दुनिया भर में कोहिनूर के नाम से जाना जाता है, उसे ये नाम देने का क्रेडिट भी नादिर शाह को ही जाता है। पर नादिर शाह इस हीरे का लंबे समय तक दीदार नहीं कर सका और साल 1747 में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के कब्जे में आ गया। हालांकि वो उम्र में केवल 14 साल का था, ऐसे में नादिर शाह के बहादुर सेनापति अहमद अब्दाली ने राजपाट में शाहरुख मिर्जा की काफी मदद की, इसलिए शाहरुख ने खुश होकर अंत में ये हीरा अहमद अब्दाली को ही सौंप दिया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद अहमद अब्दाली इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान जा पहुंचा। अफगानिस्तान में अब्दाली को दुरानी किंग ऑफ अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, पर अब्दाली की मौत के बाद ही उसके वंशज शुजा शाह ने अपने पास रख लिया और इसे लेकर लाहौर पहुंच गया। इस समय वहां पंजाब में सिख महाराज रणजीत सिंह का शासन था। जब उन्हें कोहिनूर के बारे में पता चला तो उन्होंने शुजा शाह को हर तरह से मना कर 1813 में कोहिनूर हासिल कर लिया, और आखिर भारत से गया कोहिनूर दोबारा घर वापस आ गया, जिसके बाद राजा रणजीत सिंह कोहिनूर को अपने ताज में पहनने लगे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इस हीरे को अपने सिर पर सजा कर रखा। पर 1839 में उनकी मौत हो गई। हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह के पास आ गया, मगर दिलीप सिंह अपने पिता की तरह उसे ज्यादा समय तक अपने पास संभाल कर नहीं रख पाए। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हराया और दिलीप सिंह को लाहौर की संधि पर साइन करने पड़े। इस संधि की वजह से कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। इस तरह ये हीरा हमेशा के लिए ब्रिटेन चला गया। इस पूरी कहानी में एक बात गौर करने वाली है कि जिस भी राजा के पास ये हीरा रहा, उसका राजपाट बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। इस हीरे ने जिसके भी घर पर दस्तक दी, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस तरह कहा जा सकता है कि इस हीरे का इतिहास सचमुच खूनी रहा है।
कई कहानियों और किस्सों में भी इस हीरे को खूनी होने के रूप में बताया जाता है। तभी शायद इस डर से ही ब्रिटेन में इस हीरे के आने के बाद भी वहाँ राज परिवार के किसी सदस्य ने इसे तुरंत नहीं पहना। काफी समय बाद जब ये रॉयल परिवार का हिस्सा बना तो इस शर्त पर कि इस हीरे को केवल औरतें ही पहनेंगी, वहाँ की रानियों ने ही पहनना शुरू किया। इसे कभी किसी राजा ने नहीं पहना क्योंकि उनका मानना था कि ये हीरा आदमियों के लिए अनलकी है। सबसे पहले उसे क्वीन विक्टोरिया ने अपने ताज में सजाया और उनकी मौत के बाद उसे क्वीन अलेक्जेंड्रा को सौंप दिया गया। फिर ये क्वीन मैरी को दे दिया गया और आखिर में ये क्वीन एलिजाबेथ ने पहना। ये आपको बता दे कि फिलहाल कोहिनूर इंग्लैंड में लंदन के टावर में रखा गया है। ये अब भी ब्रिटेन के राज परिवार का हिस्सा है जहाँ इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वैसे तो कोहिनूर को बेचने और खरीदने की इजाजत किसी को भी नहीं है, पर एक्सपर्ट्स इस अनमोल रत्न की कीमत लगभग 350 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 23 अरब रुपए होने का अनुमान लगाते हैं। यानी ये इस समय दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है। हालांकि इसे एक नहीं बल्कि दो बार काटने की कोशिश भी की गई है, पर तब भी आज तक इस हीरे की जगह और कोई हीरा नहीं ले सका। लोगों के बीच ये हीरा हमेशा ही पॉपुलर रहा है। तभी तो जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए रखा गया। इसे देखने के लिए लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ जो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। आज भले ही कोहिनूर ने भारत को अलविदा कह दिया हो, पर फिर भी कई भारतीय इसे अपना कहने का दावा करते हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब वो भारत वापस आए। तो देखा आपने कैसे एक हीरे ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर दिया। अब ये था ही इतना खास कि आज भी लोग इसकी एक झलक भर पाने के लिए बेताब रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।